नगर सेक्टर 3825 की लाइट पॉइंट के पास देर रात एक गाड़ी और गाय में भिड़ंत हो गई। इस टक्कर में गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और गाड़ी में सवार युवक भी घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दूसरी तरफ हादसे में गाय भी बुरी तरह से घायल हो गई। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस विभाग को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस विभाग की टीम ने जांच शुरू की और गाय की हालत को देखते हुए इसकी सूचना एक संस्था को दी, ताकि गाय की जान को बचाया जा सके। वहीं गाड़ी की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार होगी। वहीं गाड़ी की क्षतिग्रस्त हालत को देखकर तेज रफ्तार का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। मौके पर पहुंची सेक्टर 39 थाना पुलिस के जांच अधिकारी SI चरण सिंह ने बताया कि उन्हें हादसे की सूचना मिली। जब वो मौके पर पहुंचे तो कोई गाड़ी चालक नहीं मिला। वहीं सड़क किनारे एक गाय तड़प रही थी, जिसकी सूचना एक संस्था को दी गई, ताकि जल्द से जल्द उसे उपचार मिल सके और गाय की जान बचाई जा सके। 2538 लाइट पॉइंट पर भी एक्सीडेंट है। अहीं मौके पर आए तो इतने देखा भी एक गाय अंजड़ आ, एक गड्डी मेरी है। तो गड्डी का ड्राइवर मौके पर मौजूद नहीं है मिला। बाकी अहीं जांच कर रहे ते जिहड़ी गाय इंजर्ड हुई है इसकी इतलाह वगैरह दी इतलाह मैं उन्हें देती है। जिहड़ी टीम है वो आके ले जाऊगी, उन्हें आके जख्मी है, लत्त टुटी हुई है। तो किसी का कोई जानी नुकसान तो नहीं कुछ सामने आया हाल तक? नहीं, बाकी जो ड्राइवर है वो तो देखना पैना हॉस्पिटल जाके। गाय और गाड़ी की बुरी हालत को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज होगी। अक्सर लोग रात के अंधेरे में खाली सड़कें देखकर अपने वाहनों की स्पीड को बढ़ा लेते हैं और ये बढ़ी हुई रफ्तार ही अक्सर हादसों का कारण बनती है। और हमारी ऐसी लापरवाहियां न केवल हमारे लिए नुकसानदेह होती है, साथ ही साथ कई बार इन बेजुबानों की जान पर भी बनाती है। इसीलिए जरूरत है तो लोगों को सावधानी बरतने की, ताकि हमारी इन लापरवाहियों का नुकसान इन बेजुबानों को ना उठाना पड़े। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।